न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रविवार को हुए नायब तहसीलदार की परीक्षा का पेपर लीक मामले में रेवाड़ी पुलिस ने पकड़े गए सभी 9 आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। वहीं गिरोह का मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। रेवाड़ी पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग पेपर लीक गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें पुलिस ने रविवार को अलग अलग स्थानों से काबू किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पेपर करनाल के SS इंटरनेशनल स्कूल से लीक हुआ, जिसके बाद गुरुग्राम में पेपर सॉल्व करके आंसर की परीक्षा केंद्र के भीतर भेजे जाने से पहले पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस को 26 मई को हुई नायब तहसीलदार की लिखित परीक्षा के पेपर लीक की भनक 2 दिन पहले यानी 24 मई को ही लग गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इस जाल में करनाल व रेवाड़ी के प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों सहित 9 लोगों को धर दबोचा, जिन्हें अदालत में पेश किया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया गया है। बहरहाल सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि गिरोह के मुख्य सरगना के साथ साथ उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो इस पूरे रैकेट को चलाने में शामिल रहे हैं। और इस बात का खुलासा भी पुलिस रिमांड में साफ होगा कि कितने रुपए में ये सौदा कर पेपर लीक करने का खेल रचा गया था और किस किस के पास पेपर पहुंचाना था। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ये पेपर 26 तारीख को जो तहसीलदार का पेपर है वो लीक हो सकता है, जिस पर उन्होंने अपनी टेक्निकली कार्रवाई करते हुए वाच किया। इस वाच के दौरान हमें पता लगा करनाल से ये पेपर लीक हो चुका है। करनाल से पेपर लीक होने के बाद में उसको गुड़गांव में उसके आंसर की तैयार की गई। आंसर की तैयार करने के बाद हमारे यहाँ रेवाड़ी में 2 जगह इनकी आंसर की भेजी गई। हम वहाँ यहाँ पर उन पर सर्वेलेंस पे थे, सर्वेलेंस के दौरान हमने उन आदमियों को पकड़ लिया जिन्होंने वो आंसर की आगे स्टूडेंट को देनी थी। उनमें से एक स्टूडेंट काबू आ गया, 3 आदमी स्कूल के जो 2 आदमी स्कूल के जो कर्मचारी थे उनको काबू कर लिया, और 2 आदमी जो मीडिएटर का काम कर रहे थे जो आंसर की लेके आए थे उनको काबू किया। इस दौरान लगभग हमने 3 आदमी गुड़गांव STF की इमदाद से, 1 आदमी करनाल STF की इमदाद से, 5 हमारी पुलिस ने यहाँ काबू किए। लगभग 8 आदमी हमने इसमें काबू कर लिए, 9 आदमी काबू कर लिए हैं। 9 को आज हमने कोर्ट में पेश किया। इसमें आगे कौन कौन शामिल है और ये कहाँ से किसने शुरुआत की इस काम की, और इसमें कहीं और कोई जो भी ऐसी कोई बात है तो उसकी जांच के लिए हमने इनको पुलिस रिमांड पर लिया। आज पेश करके 4-5 लड़कों को 7 दिन के लिए है, कुछ को 2 दिन के लिए लिया है। तो इस पूरे प्रकरण के लिए अभी पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इनसे मोबाइल बरामद हुए, मोबाइल में आंसर की इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए आगे भेजी थी। ये लगभग 10-10:15 बजे हम इस पे लगातार वाच पे थे ना, तो हमें 10:15 बजे ये पता लगा भी ये अभी आउट हो चुका और यहाँ ये व्हाट्सएप के जरिए आगे इसको देने के लिए जो आदमी आया हुआ है उस आदमी को हमने काबू कर लिया। जो हमें जो सूचना मिली उसको हमने टेक्निकली आधार पे उस पर बात शुरू की, और वो बात शुरू करने के बाद में ये कार्य को अंजाम कल सुबह ही दिया गया। अभी जांच करेंगे, जांच में जो भी सामने आएगा कैसे ये करनाल से लीक हुआ, उसमें किस किस ने इसमें इसको सहयोग किया, सभी बात तो सभी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इसके पूरी गहनता से जाँच करेंगे। आरोपी का अभी इनमें सामने आया नहीं है, मुख्य आरोपी है जिसने ये सारी संरचना की है उस आदमी को अभी पकड़ने बाद ही पता लगे कौन है उसमें। इसमें अभी काफ़ी लोग शामिल हैं, उनको सभी को गिरफ्तार करके समित जांच करेंगे, जो भी बात सामने आएगी उसी की नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पैसे की इसमें अभी जो प्राइमरी जाँच है उसमें अभी तक ऐसी कोई पैसे की बात उनके सामने